प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आज गन्ना कल्याण मिशन की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, आजादी के बाद पहली बार किसान इस देश के राजनीतिक एजेंडे में हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं घटनाक्रम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ UPSTF को इस घटना की जांच में सहयोग देने के लिए दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मुरादनगर में गत दिनों हुई घटना की जांच SIT से कराने के दिए निर्देश। घटना में मृतकों के परिजनों को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने मुआवजे के रूप में दिए 10 लाख रुपए। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 742 नए मामले आए सामने, रिकवरी का प्रतिशत पहुंचा 96.55। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों में से 8,441 लोगों की हुई मृत्यु। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आज से किसान कल्याण मिशन शुरू हो गया, जिसके तहत आज राजधानी लखनऊ के बंथरा में किसान मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले का उद्घाटन किया और किसानों को संबोधित करते हुए नए कृषि कानूनों के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसान इस देश के राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया, वरना किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम बन गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान के नारे को साकार करते हुए किसान को योजनाओं से जोड़ा। PM फसल योजना के माध्यम से नुकसान हुए फसल का पैसा कोई भी किसान ले सकता है। किसान की लागत को कम करने और उत्पादन को बढ़ाने में कई तकनीक अब देखने को मिल रही हैं। इस देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। जब ईमानदारी से किसानों के हितों को ध्यान में रख करके शासन की नीतियां बननी लग गईं और उन नीतियों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन भी होते हुए इस देश के किसानों ने देखा है, अन्यथा किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था, लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता था। हमारे अन्नदाता किसानों ने इस देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना खून पसीना बहाया। इस देश ने जय जवान और जय किसान के नारे भी दिए, लेकिन किसान आजादी के बाद से हाशिए पर रहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद किसान को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जय किसान के इस नारे को सार्थकता प्रदान करने के लिए किसान के हित में उस प्रकार की नीतियां, उस प्रकार के कार्यक्रम और फिर उसके ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन के को जोर देते हुए ईमानदारी पूर्वक उन सभी योजनाओं को लागू किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी किसान उस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी और साथ साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कार्य इन नई तकनीक के माध्यम से आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। उधर प्रयागराज में किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत ब्लॉक भागवतपुर में एक किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ प्रदेश सरकार के लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम एवं खादी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया।
इस किसान मेले के अंतर्गत किसानों को लाभ पहुंचाने वाले खाद बीज ट्रैक्टर के साथ ही अग्रणी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉल भी लगाया गया था। इस कार्यक्रम में किसानों को किसान सम्मान निधि के चेक मंत्री द्वारा दिए गए और महिला समूहों की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत किसानों की आय को दोगुना करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि किसान अब अपनी पैदावार कहीं भी और किसी को भी घर बैठे ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिससे उनको ज्यादा फायदा होगा। इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक राजीव रंजन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसानों को बड़ी आसानी से हमारे बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वो अपनी पैदावार बढ़ाकर अपनी आय को बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसानों की जो आमदनी हो दुगनी हो, उस दिशा में अन्य कार्य किए जा रहे हैं और उसके अंदर उसके बारे में टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हाइब्रिड सीड उस एफपीओ को किस प्रकार से प्रोत्साहन मिले और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 3.5 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या किया है। 36,000 करोड़ का ऋण माफ़ किया जो पिछली सरकारों के कारण हुआ। यहाँ पर किस प्रकार से कितनी परियोजना जो है सिंचाई की वो शुरू करी और कंप्लीट कर ली है, किस प्रकार से लोगों को किस गन्ना किसान के जो हैं उसमें 1 लाख के ऊपर जो है उन लोगों को उनको मूल्य दे चुके हैं। यहाँ पर 60,000 करोड़ का DBT के माध्यम से MSP के आधार पर उन लोग किसानों को उत्तर प्रदेश में उन लोगों को बेनिफिट मिल चुका है। एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना है कि आगामी 2 वर्षों में किसानों की आय दुगनी हो जाए, तो ये सब उसी का पार्ट है सर। पहले हर इंडिविजुअल अपने तरीके से खेती किसानी करता था और आज के डेट में कुछ ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है कि समूह के माध्यम से महिलाएँ और किसान में एक नया वर्ड आया है FPO का। FPO क्रांति ला देगा इस क्षेत्र में और निश्चित रूप से सर प्रधानमंत्री जी का नियत साफ है, वो यही चाहते हैं कि किसानों की आय दुनी हो और इसी के क्रम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। किसान कल्याण मिशन के परिणाम स्वरूप हरदोई के ग्राम पुरवा देवरिया के किसान अरविंद कुमार ने खेत में प्रेसमड और हरी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हुए नई तकनीक ट्रेंच विधि से 4-4 फीट की दूरी की नालियों में ट्रेंच प्लांटर से बुआई करके केवल नाली के जरिए सिंचाई करते हुए जल संचयन की मिसाल पेश की। इस किसान ने 20 से 22 फीट की लंबाई के गन्ने का 2,631 कुंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त कर प्रदेश में सर्वाधिक उपज का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे कई किसान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए हरदोई चीनी मिल क्षेत्र में आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। DCM श्रीराम शुगर मिल के अधिशासी निदेशक और CEO रोशन लाल टामक ने बताया कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाकर आमदनी दुगनी करने वाले किसानों को किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत इसे हम लोगों ने अभी बोया था पिछले साल और ये ट्रेंच विधि से बोया गया है। इसमें ट्रेंच विधि में बोने के लिए ट्रेंच उपकरण और कृषि और ट्रैक्टर के लिए सरकार इस समय छूट पे दे रही है, उन यंत्रों का उपयोग इसमें किया गया है जिससे इस गन्ने में उसकी यील्ड काफ़ी बढ़ती है। और सरकार की योजना के तहत इसमें नाली से नाली पानी छोड़ने का भी ट्रेंच में व्यवस्था की है जिससे जल का संचयन हो सके और कम जल की खपत हो और इससे इन्हीं सब कारणों से सरकार के हम लोगों की आय काफ़ी बढ़ी है जो पिछले कई सालों से नहीं हो रही थी, अब दुगनी आय मिलने लगी है उस गन्ने से। गन्ना जो हमने बोया दूरी इसकी है जो दोनों नाली की वो 4 फीट पे, उसमें 238 वैरायटी हमने बोई है। गन्ना जो बोया है उसमें हमने प्रेस मैट मिट्टी जो तैयारी की उसमें प्रेस मैट डाली और कंपोस्ट खाद फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं हमने इस्तेमाल किया, बो दिया। उसके बाद में हमने जो है इसमें पानी की बचत की, उस नाली है इसमें 40% मतलब पानी हमारी बचत हुई। उसके बाद में हमने जो मोदी सरकार से हमको लाभ मिला, गन्ना हमको बीज मिला मिल्स की तरफ से छूट पे और हमको मतलब ट्रैक्टर भी छूट पे मिला है, उसी की वजह से आज हमने 1 हेक्टेयर में हमारी क्रॉप कटिंग हुई है। क्रॉप कटिंग जो हुई है 2631 कुंटल जो 1 हेक्टेयर में लगभग 8 लाख रुपए बन। किसानों का कैसे कल्याण हो रहा है सर? ये गन्ना हमने ये 238 है सर और ये ट्रेंच में से गन्ना बोया है और इसमें मतलब नाली की नाली दूरी 4 फीट होती है सर ट्रेंच में, तो इससे यील्ड भी अच्छी होती है, रुपये और चीज़ से अच्छी होती है
और नाली से नाली में पानी लगाते हैं तो पानी की खपत कम होती है। और मतलब जो कृषि उपकरण सरकार दे रही है छूट पे, उनका हम लाभ लेके मतलब गन्ने की पैदावार बढ़ाते हैं। और मतलब पिछले कुछ साल वर्षों से हमारी गन्ने की आय दोगुनी हो गई है। सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना जो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए है, उसको संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने के लिए डीसीएम श्रीराम की तरफ से भी कृषकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग किया जा रहा है। वाराणसी में किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किसान मेला व कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा उनकी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस किसान गोष्ठी में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों को विशेषज्ञों द्वारा जैविक खेती, जीरो बजट खेती, वेजिटेबल खाद्य प्रसंस्करण के बारे में जानकारी दी गई। वहीं किसानों के हितों में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया, जिससे किसानों को इसका फायदा मिल सके। कार्यक्रम के बाद महिला किसान इंदु देवी व गीतांजलि ने बताया कि इस मेले में फल सब्जियों को प्रसंस्कृत कर उसे सड़ने से बचा सकते हैं। वहीं किसान चंद्रभान प्रताप और ओम प्रकाश ने बताया कि यहां आने पर हमें जैविक खेती, जीरो बजट खेती, फल सब्जी प्रसंस्करण व सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली और यहां पशुपालन के फायदे भी बताए गए। हाँ, जानकारी नई नई मिलती है, जैसे हम लोग घरेलू उपचार करते हैं और यहाँ पे जैसे उसके विधिवत बारे में पूरी जानकारी बताई जाती है, तो फायदा है। आदमी बेरोजगारी बहुत है तो आदमी को रोजगार के रूप में सीख मिलता है। किसान मेले में आए हुए हैं, यहाँ जितने हमारे प्रबंधक किसान कृषि से जुड़े हुए वैज्ञानिक लोग और तमाम साथी हमारे आए, तमाम बातों को बताए और बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताए, और जिस बात बताया जिन्होंने वो बहुत अच्छी महत्वता देती है हमारे सभी किसानों भाइयों के लिए। हम जब जबी पर जाते हैं तो हमारी खेती उन्नत खेती होती है, उसमें प्रोटीन या जितनी भी हमारी समस्या है वो अच्छी हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बताया गया है। गोंडा जिले में किसान कल्याण मिशन मेले के प्रथम चरण में 4 ब्लॉक पंडरी कृपाल, करनैलगंज, कटरा बाजार तथा छपिया में किसान कल्याण मिशन मेले का आयोजन किया गया। विकासखंड पंडरी कृपाल में किसान मेले को जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटित किया। किसान मेले में लगे किसानों से संबंधित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। विकासखंड पंडरी कृपाल के प्रांगण में कृषि विभाग द्वारा किसान कल्याण मिशन मेले व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले के उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी का जिलाधिकारी और CDO ने निरीक्षण किया। हम जैविक खेती के लिए सम्मानित किए गए हैं, हमारे जैविक उत्पाद इस मेले में लगे हुए हैं। आटा है, चावल है, दाल है और हमारा एक संगठन बना है अवध जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से। उस संगठन के किसान हैं, वो भी जैविक खेती करते हैं, अपनी ब्रोकली लाए हैं यहाँ पे बेचने के लिए और दिखाने के लिए, उनको भी सम्मानित किया गया है। मैं मशरूम की खेती के लिए यहाँ सम्मानित की गई हूँ। मैं हमारे टीम में 12 लोग हैं। लाभ मिला 8,000 रुपये प्रॉफिट मिली है, 12,000 रुपये हमारी लागत लगी थी, तब 200 बैग हम लगाए थे। ये शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के सभी विकास खंडों में किसान कल्याण मेले के आयोजन किए जाने हैं। आज 4 विकास खंडों में आयोजन किया गया है, इसके बाद 13 और 20 तारीख को शेष अन्य विकास खंडों में आयोजन किए जाएंगे। इसमें इसका उद्देश्य है कि कृषि एवं अन्य जो आनुषांगिक विभाग हैं, सभी अपनी अपनी योजनाओं को एक जगह इसको प्रदर्शित करेंगे, लाभार्थियों का चयन करेंगे और जो लाभार्थी इसमें विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित किए गए हैं उनको स्वीकृत पत्र भी वितरित किया जाएगा। उद्देश्य इसके पीछे यह है कि किसानों को सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं से संतृप्त करते हुए उनकी आय में अभिवृद्धि की जा सके और उनकी आय दुगनी की जा सके। यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों में के प्रगतिशील किसान हैं उनको यहाँ सम्मानित भी किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो किसान कृषि कानूनों का विरोध करते हैं सरकार उनसे चर्चा करती है। उन्होंने कहा कि जो किसान यूनियनें आंदोलित हैं वह कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझेंगे और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी। समर्थन में भी काफ़ी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है, हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं।
उन सबका स्वागत भी है, आभार भी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगी। समाचारों का सिलसिला भी जारी रहेगा एक छोटे से विराम के बाद। क्या हुआ है? कान में दर्द, चलो डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर जी ने कहा है ये है स्वेटर बुनने, आग जलाने, बाल बांधने और लिखने के लिए, कान साफ करने के लिए नहीं। तेल और दूध इसमें मत जाने देना। और अगर कान में दर्द हो या कान से पानी आए तो जाना डॉक्टर जी के पास। अगर गुड़िया की हंसी चाहिए तो ध्यान रखिए। सुन लो बात है ज्ञान की, कदर कीजिए अपने कान की। विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के भैरव तालाब में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने पहले लेबोरेटरी का निरीक्षण कर छात्रों से बातचीत की। पूरे परिसर का निरीक्षण करते हुए छात्रों की छोटी क्यारियों और तालाब का भी निरीक्षण किया। लोकार्पण करते समय राज्यपाल ने छात्राओं की कृषि शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात के साथ ही कहा कि इससे गांवों को विशेष फायदा होगा। राज्यपाल ने कार्यक्रम के बाद शिक्षकों शिक्षिकाओं से मुलाकात कर उच्च शिक्षा और गांव में रहने वाली महिलाओं के विकास के लिए उन्हें प्रेरित किया। गांव का विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। गांव में जो बनता है उसका उपयोग ही गांव वाले करें तो गांव में रोजगार भी मिल जाएगा, अच्छा वातावरण बन जाएगा, सामूहिक भाव पैदा होगा। गांव मेरा है, तालाब मेरा है, स्कूल मेरी है, आंगनवाड़ी मेरी है, रास्ता मेरा है और कोई किसी का नहीं है। ये भाव से ग्राम्य विकास होना चाहिए, ऐसी कल्पनाएं नहीं, लेकिन कई स्थानों पर ऐसे आश्रम बनाकर आश्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को नई टेक्निक सिखाकर आगे बढ़ाने का काफी प्रयास भारत भर में हो रहा है। इतना कंपटीशन है इसके लिए कि इस बार एक सीट के लिए 21 से 22 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था और उसके आधार पे जो है हम लोगों ने एडमिशन लिया है और इस क्षेत्र के और दूसरे राज्यों से भी सारे विद्यार्थी आ रहे हैं। चूँकि जैसा कि महामहिम ने बताया कि ये जो क्षेत्र है और पूरा भारत ही कृषि प्रधान देश है और महात्मा गांधी जी कहते थे कि इस देश की आत्मा जो है गांव में बसती है, तो गांव, गरीब और किसान, इन तीनों को किस तरह से उनमें समृद्धि लाई जाए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था की है कि ये बच्चों के पास, जैसा कि उन्होंने कहा लैब से लैंड, तो हमारे पास तो लैब यहाँ है और लैंड भी 10 कदम पे है। इतना नज़दीक लैंड आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना कि इस क्षेत्र में है। तो दूसरे रोड के एक तरफ पढ़ाई और दूसरे तरफ प्रयोग एक साथ चलेगा। गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए हादसे में 24 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। हादसे के दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया था। इसी के चलते आज केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पीड़ित परिवारों से मिले और उनसे कहा कि इस दुख की घड़ी में हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, आगे भी सरकार से जो संभव मदद हो सकेगी वो की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे की 10 लाख की रकम का चेक दिया और बच्चों को पढ़ाई एवं जरूरतमंद पीड़ितों को आवास भी मुहैया कराने के साथ साथ पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की घटना की जांच SIT से कराने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जैसा मैंने उस दिन कहा था, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मदद हो सके उतनी मदद की जाए परिवारों की। बहुत अप्रत्याशित घटना है और हमारा इसमें पूरा का पूरा सरकार की तरफ से एक प्रयास है कि
इस घटना के अंदर सब तरीके से हम परिवारों के साथ। वो नौकरी के लिए उनके लिए बोला गया है, वो कह रहे थे नौकरी हम जो है 15-20 दिन में दिला देंगे और उसके बाद जो है 10 लाख रुपए का उन्होंने चेक भी दिया है ताकि जो उनको नौकरी मिल जाएगी तो उन बच्चों का परवरिश हो जाएगा, नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे, वो तो कहीं आने जाने वाली बेचारी है नहीं, कहाँ कमाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ बैठेगी। बदायूं में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी की पकड़ के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। बदायूं के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि इस जघन्य अपराध में लिप्त सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को अलग अलग योजनाओं में लगभग 20 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही मृतक महिला के घर में कमाऊ महिला होने के कारण अन्य लाभ भी पारिवारिक लाभ योजना के तहत दिए जाएंगे। एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र ने घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसएसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि घटना में दोषी थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं के घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश के साथ ही घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने UPSTF को इस घटना की विवेचना में सहयोग प्रदान करने के लिए भी निर्देशित किया है। जी, उहती थाने का प्रकरण है जहाँ पे कि महिला का रेप और उसकी हत्या का प्रकरण सामने आया है। इसमें थाने स्तर से कुछ जो लापरवाहियाँ हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है और ये एक मैसेज देने का हमारी ओर से प्रयास किया गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जहाँ तक ये घटना की बात है, इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और एक अभी जो अभी फरार चल रहा है उसके लिए भी टीम लगा दी गई है, तत्काल उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और ये फिट केस बनता है एनएसए का, हम इसमें एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो परिवारजन हैं उनको जो प्रशासन की ओर से शासन की ओर से जो सहायता धनराशि और अन्य अनुदान जो है वो करीब 20 लाख रुपये तक के हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत इसके अलावा रानी लक्ष्मी महिला सम्मान कोष से ये सब उनको दिलवाए जाएंगे और साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनको तत्काल सजा दिलवा दी जाए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 742 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि में 1067 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या कम होकर 11,939 रह गई है। उन्होंने कहा कि रिकवरी का प्रतिशत अब 96.55 हो गया है। कोरोना के संक्रमित लोगों में से 8,441 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 742 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1067 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या अब कम होकर के घट करके 11,939 रह गई है। पिछली बार 12,000 से कम एक्टिव केस हमारे 11 जुलाई को थे, तो लगभग 6 महीने पहले की जो स्थिति थी वो अब इस समय आई है। संक्रमण नियंत्रित है, संक्रमण कम हुआ है, लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण निरंतर बना हुआ है, जारी है। इसलिए सभी सावधानियां सभी लोगों को लगातार बनाए रखनी होंगी। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,69,959 हो गई है और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 96.55% हो गया है, 96.55%। संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 8,441 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फेटलिटी रेट 1.43% पर बना हुआ है। समाचार अभी और भी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। हैं?
RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार मिशन रोजगार चला रही है। मिशन रोजगार के अंतर्गत स्वरोजगार की एक रणनीति पर कार्य हो रहा है। स्वरोजगार में लगभग 6,90,000 नई MSME इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,872 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत पूर्व से स्थापित SME इकाइयों को शामिल कर लें तो कुल मिलाकर 11,20,000 से अधिक MSME इकाइयों को ऋण प्रदान किया गया। इन MSME इकाइयों के माध्यम से 27 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में अब 8,18,000 इकाइयां कार्यशील हैं, जिसमें लगभग 52 लाख श्रमिक काम करते हैं। प्रदेश सरकार मिशन रोजगार चला रही है। मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार सरकारी नौकरियों से रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार की एक रणनीति पर कार्य हो रहा है और इसी रणनीति में आगे बढ़ते हुए बैंकों से समन्वय करके स्वरोजगार में लगभग 6,90,000 नई MSME इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,872 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। और यदि हम आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत पूर्व से स्थापित MSME इकाइयों को भी शामिल कर लें तो कुल मिलाकर 11,20,000 से अधिक MSME इकाइयों को ऋण प्रदान किया गया। इन MSME इकाइयों के माध्यम से केवल 27 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। यूपी ATS ने खलीलाबाद जनपद में एक ऑपरेशन के दौरान म्यांमार निवासी रोहिंग्या अजीबुल हक को आज गिरफ्तार किया। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभियुक्त अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में रह रहा था। इसके कब्जे से 2 फर्जी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ लखनऊ के थाना ATS पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं कोरोना टीकाकरण के बारे में ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि टीकाकरण के केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए जाएंगे। ATS उत्तर प्रदेश को वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सहयोगी एजेंसियों से आज सूचना प्राप्त हुई कि म्यांमार निवासी रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर क्षेत्र में रह रहा है। यूपी ATS द्वारा इस सूचना को विकसित किया गया तो प्रमाणित हुआ कि यह व्यक्ति मूल रूप से म्यांमार का रहने वाला है तथा इसके द्वारा 2 पासपोर्ट फर्जी दस्तावेजों जैसे कि राशन कार्ड, मार्कशीट, प्राथमिक पाठशाला का ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर बनवाए गए हैं। इन पासपोर्ट के आधार पर इसके द्वारा सऊदी अरब और बांग्लादेश की यात्रा भी की गई है। वर्ष 2017 में इस व्यक्ति के द्वारा अपनी माँ, बहन और 2 भाइयों को भी अवैध रूप से भारत लाया गया है तथा उनके भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। ये भी प्रकाश में आया है कि अजीजुल्ला के खाते में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों और विदेश से भी काफ़ी मात्रा में पैसा आया है, जिसकी सघन जांच की जा रही है। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आज किसान कल्याण मिशन की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, आजादी के बाद पहली बार किसान इस देश के राजनीतिक एजेंडे में हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं घटनाक्रम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ UPSTF को इस घटना की जांच में सहयोग देने के लिए दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मुरादनगर में गत दिनों हुई घटना की जांच SIT से कराने के दिए निर्देश। घटना में मृतकों के परिजनों को केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने मुआवजे के रूप में दिए 10 लाख रुपए। और पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 742 नए मामले आए सामने। रिकवरी का प्रतिशत पहुंचा 96.55। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों में से 8,441 लोगों की हुई मृत्यु।
इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।